नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सांगवान। अपनी लाइफ और अपनी इंग्लिश को बेहतर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, जो आज हम ये वर्ड सीख रहे हैं, इसका प्रोनंसिएशन ब्रूस्क भी होता है और ब्रस्क भी होता है। ब्रूस्क और ब्रस्क, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इसके दो प्रोनंसिएशन की कहानी को समझेंगे। मीनिंग इसका होता है अशिष्ट, बेअदब या रूखा। इसके सिनोनिम से आपको इसका मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, इम्पोलाइट और रूड। सेंटेंस यूज से इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डॉक्टर स्पोक इन अ ब्रूस्क टोन। डॉक्टर ने रूखी आवाज में बोला। हर सेक्रेटरी वॉज अ लिटल ब्रस्क ऑन द फोन। उसकी सेक्रेटरी फोन पर थोड़ी अशिष्ट थी, यानी पोलाइट नहीं थी, उसने पोलाइटली बात नहीं की। अब बात करते हैं इसके दोनों प्रोनंसिएशन की। हम इंडिया में और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको ब्रूस्क कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसको ब्रस्क कहा जाता है। प्रोनंसिएशन दोनों ही ठीक हैं, आप दोनों बोल सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स से शेयर कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।